लाइव करके आ रहे हैं। नरेंद्र जी आ गए क्यों माइक रख दो माइक क्यों रख दिया अभी क्यों रख दिया अभी शॉर्ट बना भाई साहब मैं लाइव चल रहा हूँ मैं करता हूँ आप लाइव चल रहा हूँ मैं बात करता हूँ सभी विराजमान सभी साथियों को मेरा एवं कर्मचारी परिषद की शपथ ग्रहण समारोह में आप सब करता हूँ एवं कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी से गुलदस्ता देकर स्वागत करें बाबूलाल जी साफा पहनाकर स्वागत करें उदय जी का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ता भी भेंट कर रहे हैं के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराने का मैं पद शपथ लेता हूँ कि मैं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी परिषद के संविधान के प्रति श्रद्धावान श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा विधि द्वारा स्थापित परिषद के प्रति सत्य निष्ठा बनाए रखूंगा तथा अपने कार्यालय के कार्य परिषद के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से बिना भेदभाव के करता रहूंगा। धन्यवाद आपको और मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष महासचिव को भी गुलदस्ता देकर उनका उनका स्वागत करें। श्री राजकुमार जी महामंत्री नवनिर्वाचित कार्यकारिणी आप आए राजकुमार मामोड़िया जी जेडीए में काफ़ी लंबे समय से हैं और बहुत ही अच्छे अब कोषाध्यक्ष श्री पप्पू राम जी पधारे हैं हो गया सर अच्छा मैं श्री बाबूलाल मीणा जी अध्यक्ष का भी स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय जी अब मैं जेडीए आयुक्त श्री गौरव गैर जी से अनुरोध करूंगा कि वो नवगठित कार्यकारिणी को दो शब्द कहकर उनका उत्साहवर्धन करें धन्यवाद माननीय यूडीएच मंत्री एवं जेडीए अध्यक्ष श्रीमान शांति धारीवाल साहब जेडीए के सेक्रेटरी एडिशनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और उपस्थित PRO डिप्टी रजिस्ट्रार सभी अधिकारी कर्मचारी साथीगण और नव निर्वाचित पद अधिकारी बाबूलाल जी राजकुमार जी पप्पूराम शर्मा जी एक बार पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि ये चुनाव लगभग मैंने आगे वोट डाला कोविड नियमों की पालना अनुशासन रखते हुए और उसके पश्चात ये को ध्यान में रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। इनसे पूर्व जो कार्यकारिणी थी वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं सर मीणा जी जैन साहब सब लोग काफ़ी कॉपरेटिव इनका नेचर रहता है सर और इन्होंने सब ने अश्योर किया है कि सरकार के जितने प्रोग्राम्स हैं जितनी स्कीम्स हैं और खासकर जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है इसमें जो JDA का टारगेट है 1,00,000 पट्टे जारी करने का उसमें हर कर्मचारी अपनी पूरी भूमिका निभाएगा दिन रात काम करेगा छुट्टी वाले दिन भी काम करेगा और 1,00,000 पट्टों के लक्ष्य को उससे क्रॉस करेंगे। इसमें सर मैं काफ़ी कर्मचारी एसोसिएशन सभी लोग यहाँ हैं मैं आपसे सर निवेदन करना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर का कैंप और उसके 15 दिन पहले से तैयारी हर सैटरडे संडे को सभी कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं सर
और जैसे आपके मार्गदर्शन है, जैसे आपका निर्देश है, उसी के अनुरूप अभी कल तक 7480 पट्टे जारी किए हैं जेडीए ने, जो कि पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा, और पूरे स्टेट के करीबन 34,000 पट्टों का लगभग 20-22% हर पांचवा पट्टा जयपुर जेडीए का अभी तक जारी हुआ है। और कर्मचारी एसोसिएशन के बिहाफ पे सर आपको ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय देकर जैसे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आज मान सम्मान किया है, आपने उनको शपथ दिलाई है, इससे इनका हौसला और बढ़ा है। और इनके बिहाफ में मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि जेडीए की जो लीड है वो हम बनाए रखेंगे और 31 मार्च से पहले 1,00,000 लक्ष्य क्रॉस करेंगे। आज माननीय मंत्री जी ने समय दिया तो परिवार, जेडीए परिवार का हिस्सा होने के नाते आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से जेडीए की नवगठित कार्यकारिणी का उत्साहवर्धन किया, आपका इस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यकारिणी को बधाई दें, दो शब्द कहें। जेडीए कमिश्नर साहब और जेडीए के सेक्रेटरी साहब तथा सभी जेडीए से आए हुए सब अधिकारीगणों और कर्मचारीगणों, आज आपकी जयपुर विकास प्राधिकरण की अधिकारी व कर्मचारी परिषद की यहाँ पर नए चुनाव हुए हैं, उनमें जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिन लोगों ने शपथ ग्रहण ली, शपथ ली है, बाबूलाल जी, राजकुमार जी और कपूरा जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ क्योंकि आपको जो यहाँ के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्होंने आपको चुना है, ये समझ करके चुना है कि आप कर्मचारियों के हित में, अधिकारियों के हित में जो कुछ भी बात कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे और किसी का नुकसान न होने के लिए किसी का जो भी उचित मांगे हैं वो वक्त पर रखते हुए, चाहे जेडीए के उनको रख करके जो है उनके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपको चुन करके भेजा दूँ। मोटे तौर पर ये जयपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट एजेंसी है और इसके कामों को पूरा राजस्थान देखता है। इसमें अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो पूरे राजस्थान में उसको प्रचारित होती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई अनोखा काम किया जाता है तो वो भी पूरे राजस्थान में प्रचारित होता है। ये डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसको जयपुर को डेवलप करना है और यहाँ के निवासियों के लिए उनकी समस्याओं का हल करना है, उनका मुख्य काम आपका ये है। तो मैं ये समझ के देता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभियान चालू करवाया है 2 तारीख में आपने 2 तारीख के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1,00,000 का टारगेट आपको दिया गया है कि 1,00,000 पट्टे आप अकेला जयपुर विकास प्राधिकरण बांटेगा। पट्टे बांटने में जो अभी तक की मानसिकता होती है, जो पिछली बार जो पट्टा बंटा था 2012 और 2013 में, और 2013 के बाद में जो आज 21 में बंट रहा है 9 साल बाद, तो 9 साल के अंदर अंदर जो मानसिकता आदमी की बन गई, कर्मचारी की हो चाहे अधिकारी की हो, तो वो फाइल को घुमाता रहता है, यहाँ से वहाँ गई, अंदर से घुमाता रहता है। उस मानसिकता को त्यागने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान का अर्थ ये है कि जो आपके सम्मुख प्रार्थना पत्र आता है उस पर इमीडिएटली उस पर काम हो और उस आदमी को जो लाया है वो एक जो पीड़ित है उस पीड़ित को फौरन लाभ मिले, उसका मकसद ये है, मुख्य मकसद ये है। इसमें अगर कोई लापरवाही देखी जाती है तो मैं मान करके चलता हूँ वो गंभीर है। इसलिए ये इस मामले में हम आपका सहयोग चाहते हैं, सरकार सहयोग चाहती है आपका कि भरपूर मेहनत करते हुए इस 1,00,000 के टारगेट को हम वक्त के पहले पूरा करके दिखाते हैं तो अपनी वाहवाही है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वो प्रतिष्ठा जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ साथ जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसको मतलब ये कि हर कर्मचारी की और हर अधिकारी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये देखा जाता है कि ये अधिकारी काम कर रहा है, सब जयपुर विकास प्राधिकरण में काम कर रहा है, इसमें आने के लिए लोग तड़पते हैं, हजारों दरख्वास्तें देते हैं कि हमें जयपुर विकास प्राधिकरण में लगाओ। वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपने एक प्रतिष्ठा अभी तक कायम कर रखी है, अब उस
प्रतिष्ठा को और एनहांस करना है और बढ़ाना है। लोगों को जितना लाभ देंगे उतने ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। मेरा आपसे लंबी बात में कहता हुआ ये निवेदन है कि इसमें भरपूर सहयोग दो। वो जो पुरानी 9 साल की मानसिकता बन गई है उस मानसिकता को अपन को छोड़ना पड़ेगा। फाइल को घुमाओ मत, सारे जितने भी सर्कुलर्स हैं वो सब बिल्कुल क्लियर सर्कुलर्स हैं। अगर मान लीजिए सर्कुलर में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो अफसरों से पूछो, यदि कमिश्नर साहब से पूछो कि किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व होंगे। लेकिन उस आने वाले व्यक्ति को जो पीड़ित है उस पीड़ित को जो है लाभ जब तक अगर आप नहीं पहुँचाओगे जब तक आपकी प्रतिष्ठा पर आती आएगी। मेरा आपसे ये निवेदन है कि भरपूर मेहनत करके इस अभियान को अगर आपने सफल बना लिया और 1 लाख का टारगेट अगर आपने पूरा कर लिया तो निश्चित तौर पर आपने आपकी आपकी संस्थान को भी जो है क्या वो प्रतिष्ठा प्राप्त करवा दी और अपने स्वयं को भी सम्मान आपने करवा दिया। इतना ही आपसे निवेदन है कि आशा भी करता हूँ कि आप लोग लग करके इस काम को करेंगे। जिस तरीके की 9 साल की मानसिकता उसको एतराज रखते हुए नए तरीके से जिस तरीके से सर्कुलर्स निकले हैं कि इमीडिएट आपको काम करना है उसके मासिक आप काम करके जनता में जो है ये निश्चित तौर पर अपना प्रभाव जमाने की जो कोशिश आप करेंगे। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी कार्यकारिणी जो है अच्छा काम करें, सफल हुए आप लोग, ईमानदारी से काम करें और जनता की सेवा के लिए काम करने के लिए आप अपने साथियों को भी प्रेरित करते हैं। जय हिंद। श्री बाबूलाल मीणा जी अध्यक्ष नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को कहूंगा कि वो यहाँ आए और मंत्री महोदय जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री माननीय श्री धारीवाल साहब, आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी साथियों, अभी मंत्री महोदय ने अपन को बहुत बढ़िया बात कही। मैं ज़्यादा नहीं कह के इतना ही कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय 2012 के प्रशासन स्तरों के अभियान में भी जयपुर विकास प्राधिकरण का हर अधिकारी और कर्मचारी कार्य पूर्ण कर लौट देता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि 300 कुछ लोग JDA में रहे हैं उनको एक एक भूखंड एक योजना सर्जित करके और नियमानुसार राशि लेकर के आवंटन कर दें आप तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप ही आज ही इसकी घोषणा कर दें ताकि दीपावली का तोहफा भी सबको मिल जाए। बाकी आप लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मीडिया साथियों से निवेदन है कि वो अल्पाहार नाश्ते का प्रबंधन प्लीज ग्रहण करें। धन्यवाद।